सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, पिछले 36 हफ्तों से लगातार अशोक कुमार बशोत्रा जी एक धरने पे बैठे हुए हैं जम्मू अम्बेडकर चौक में, और काफ़ी लोग इनको समर्थन करने भी आ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जी। सर, पिछले दिनों जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी की सीटें जितना उन्होंने अनुमान लगाया था उससे कम क्यों आई? देखिए, भाजपा को घमंड हो चुका था कि वो सर्वोपरि हैं, और खास करके मोदी जी को ऐसा लगता था कि वो कोई अवतार पुरुष हैं, जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में एक जगह कहा भी है। और उनको लगता ये भी था कि भारत की जनता बहुत बड़ी मूर्ख है और इसे कई सदियों तक मूर्ख बनाया जा सकता है, जबकि ऐसा है नहीं। 2014 में जनता कांग्रेस के कुछ कामों से ऊब चुकी थी और कांग्रेस की SC ST OBC विरोधी पॉलिसियों से लोग परेशान हो चुके थे, इसलिए उन्होंने एक विकल्प ढूंढा और उनको भाजपा एक विकल्प के तौर पे मिली, इसलिए भाजपा को अच्छी सीटें तब मिली। 2019 में भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई रहीं, उनको लगा शायद मोदी जी को पर्याप्त समय नहीं मिला या भाजपा को सही टाइम नहीं मिला, पर्याप्त टाइम नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने एक मौका इनको और दिया और अच्छे 303 सीटें सिर्फ भाजपा की थी, बाकी अलायंस की मिला के तो 342 के करीब थी, तो उनको लगा कि इनको ये सीटें देनी चाहिए। मगर 10 साल पूरे होते इस कार्यकाल में SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सबको ये एहसास हो गया कि हमने गलती कर दी। हालांकि बहुजनों की कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी इतने बड़े पैमाने पे सामने नहीं आई और उनको जो अल्टरनेटिव देना था वो उनको नहीं मिला, मगर उनको एक अल्टरनेटिव INDIA जो अलायंस बना, इंडिया अलायंस, उसके रूप में उनको मिला और लोगों ने फटाफट स्विच ओवर कर दिया। भाजपा 303 से सीधे 240 पे आ गई, यानी 63 सीट्स उनकी कम हो गई। इसमें मैं ये बात भी मुख्यतः कहना चाहता हूँ कि हालांकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इनकी नहीं आई, सिंपल मेजॉरिटी इनकी NDA की आई है, मगर मेरा ये मानना है अगर इलेक्शन फेयर होते, अगर बंगलिंग नहीं होती, EVM यूज नहीं होती और धनबल और बाहुबल का प्रयोग नहीं हुआ होता, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते, इलेक्शन कमीशन भी अगर फेयर होता, तो मैं दावे से कह सकता हूँ इनकी पूरे NDA की बड़ी भी ज़्यादा सीटें आती तो 160 से ऊपर नहीं आ सकती थी। सर, जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी का भी एक सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी चुन के आए हैं, उनके आने से समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, एक मनोबल तो बढ़ता है समाज का। समाज का कोई भी अगर लीडर जो समाज में विचरता है, चलता है, बात करता है, अगर वो पार्लियामेंट में पहुंचता है या संसद में, इसमें असेंबली में पहुंचता है, तो एक मनोबल समाज का बढ़ता तो है। उसके बाद दूसरा, अगर आज़ाद जी जैसे वो कर रहे हैं, उनका अपना एक स्ट्रेटजी होगी, अगर इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को, तो ऑब्वियसली उनकी पार्टी को बड़ा फ़ायदा होगा और मुझे उम्मीद है वो ऐसा कर रहे होंगे और वो करेंगे। राहुल गांधी जी ने एक बयान लोकसभा में दिया जिसमें उन्होंने बोला कि भाजपा हिंदुत्व, सिर्फ भाजपा ही हिंदुत्व नहीं है, जिसपे काफ़ी हो हल्ला हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात आप किसी से छुपी हुई नहीं है, RSS BJP और हिंदुत्ववादी जितने भी संगठन हैं ये हिंदू शब्द को सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हिंदू शब्द सिर्फ SC ST OBC को मुस्लिम से, सिख से, क्रिश्चियन से लड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई मकसद इनका नहीं है। हिंदू कोई शब्द है ही नहीं, किसी वेद पुराण उपनिषद किसी हिंदू धर्म ग्रंथ ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ में कहीं भी हिंदू शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी पीछे कहा था कि हिंदुइज्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हो तो ये धर्म हो सकता है, वे ऑफ लाइफ हो ही नहीं सकता, और इसी चीज़ को मोदी जी भी पीछे कह रहे थे कि ये धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सी बात है। और पार्लियामेंट में इसी चीज़ को राहुल गांधी जी ने बड़ा जोर से उछाला कि ये हिंदू होने का दावा करते हैं, यही वो लोग हैं जो हिंदू हैं ही नहीं, ये एंटी हिंदू है रादर, क्योंकि हिंदुओं को बनवाकर सीटें जीतने की कोशिश करते हैं। 2019 में बहुत बड़ी मेजॉरिटी बीजेपी को इसलिए भी मिली थी क्योंकि उन्होंने 48 हिंदुओं को मरवाया था पुलवामा में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसकी कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। तो ये सारी बातों का समअप करके राहुल गांधी ने ये कहा है कि अल्टीमेटली हिंदू इनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये हिंदू है नहीं। बात अगर जम्मू कश्मीर की जाए तो जम्मू और कठुआ में भाजपा दोनों सीटें जीती हैं, इसका क्या कारण माना जाए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि रिमोट एरिया काफ़ी है इन सीटों का और पहाड़ी एरिया बहुत ज़्यादा है। शाम को इलेक्शन ख़त्म होने के टाइम पे 1-1.5 घंटे में
कोई ज़्यादा पोलिंग जो है वो लोगों की नहीं हुई, लोग अपना वोट डाल चुके थे जिन्होंने डालना है। तो जो वहाँ पे ऑफिशियल्स थे बाहर गए हुए, उन्होंने भाजपा को काफ़ी सारे वोट जो हैं जाली डलवाए हैं, एक तो वो कारण रहा। दूसरा, यहाँ पे जो इनिशियल एक टेक ऑफ करना था कांग्रेस को, वो नहीं कर पाई। और मेरा ऐसा मानना, कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह भी और रमन भल्ला भी, इन दोनों कैंडिडेट्स के बारे में मैं ये शॉर्टी के साथ कह सकता हूँ, इन्होंने जाति आधारित जनगणना के बारे में कोई बात नहीं की, एससी एसटी ओबीसी की रिजर्वेशन और रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के बारे में कोई बात नहीं की, और यहाँ के मूल निवासी बहुजनों के हक हकूक, बहुजनों के हिस्सेदारी की कोई बात नहीं की, इसलिए भी ये दोनों सीटें कांग्रेस हार गई। बात अगर बहुजन समाज पार्टी की जाए तो उनका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, वोट परसेंटेज भी लगातार गिरता जा रहा है, उसकी क्या वजह मानी जा सकती है? टॉप लीडरशिप जो है, मैंने देखा उसने अब दम छोड़ दिया है। कोई भी पॉलिटिकल फ्रंट तब तक ही ताकतवर रहता है जब तक उसकी कोर हेड बॉडी जो है वो स्ट्रांग रहती है, और अब जैसा कि हम सब देख रहे हैं टॉप लीडरशिप बिल्कुल धराशायी हो चुकी है, वो घुटने टेक चुकी है आरएसएस के आगे, भाजपा के आगे, और एक मिश्रा जी उनकी पार्टी में आए थे जिन्होंने पार्टी को बर्बाद करना था, उन्होंने बर्बाद कर दिया। और मैंने देखा अमित शाह के एक फ़ोन पे ही काफ़ी सारे चेंजेस पार्टी ने कर दिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स बदल दिए और बहुत सारी की पोजीशंस पे लोगों को चेंज किया। तो जब पार्टी टॉप लीडरशिप जो है वो अपने दुश्मन के आगे घुटने टेक देती है तो उसका यही हशर होता है। यूपी में 9.25% वोट मिला है बसपा को, और पूरे भारत में शायद 1.2% मिला है। अब तो ये नेशनल पार्टी भी शायद नहीं रहेगी। और कोई भी पार्टी जब अपने बेसिक एजेंडे से हिल जाती है, अपने लक्ष्य को छोड़ देती है और अपनी बेसिक आइडियोलॉजी को छोड़ देती है, क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से ये सर्वजन पे चली गई और हाथी नहीं गणेश या ब्रह्मा विष्णु महेश पे चली गई, तो बेसिक विचारधारा जो थी, मूल विचारधारा, उससे ये पार्टी जब हट गई थी हम तभी समझ गए थे अब ये पार्टी नहीं बचेगी, और उसका खामियाजा ये भुगत रही है। जी, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है बहुजन समाज पार्टी के ग्राफ गिरने से, क्या आजाद समाज पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा? मुझे लगता है आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ इस तरफ कोशिश कर रही है, बहुजनों के और भी कई दल इसमें कोशिश कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है अगर लोगों का फेथ जाग गया, अन्यथा कोई और बहुजन दल आगे आएगा, क्योंकि बहुजनों का वैक्यूम अब बहुजन ही भर पाएंगे, मनुवादी पार्टियां नहीं भर पाएंगी। कांग्रेस भाजपा कम्युनिस्ट या रीजनल जो मनुवादी पार्टियां हैं, बहुजन अब उनकी तरफ नहीं जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। बहुजन विकल्प ढूंढ रहा है, जो भी विकल्प उन्हें अच्छा मिलेगा, ईमानदार मिलेगा, दम रखने वाला मिलेगा, वो चाहे आजाद समाज पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, लोग उसके साथ जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। सर, आप लगातार धरने पे बैठे हुए हैं बहुजन समाज के हितों के लिए, जैसे उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रही, एट्रोसिटीज़ बढ़ रही हैं, क्या आपको लगता है कि लोकसभा में कोई सांसद इसके बारे में आवाज़ उठाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार काफ़ी सारे सांसद ऐसे गए हैं, नई जनरेशन वहां पे आई है जो इन चीज़ों को लेके आवाज़ उठाएगी। अब जैसे अखिलेश जी ने भी इस बार पीडीए का फार्मूला भरता है, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक करके, और उनको वोट भी उसके मिले हैं, उनकी सीटें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो मुझे लगता है वो भी उठाएंगे। इसके अलावा जैसे आप चंद्रशेखर जी की बात कर रहे थे, मुझे उनसे भी उम्मीद है। इस तरह से और भी काफ़ी सारे MPs हैं, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब बसपा का तो कोई उसमें है नहीं तो उसकी बात करना बेकार है, लेकिन जो गए हैं उम्मीद है ये आवाज़ उठाएंगे, और राहुल गांधी आवाज़ उठाने के लिए बता तो रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो भी शायद उठाएं। ये थे एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा जी, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से मेडिकल चौक जम्मू में धरने पर बैठे हुए हैं।